हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मीज़ एंड मी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेबीज़ कोलिक पेन पे। बच्चों को बहुत जल्दी कोलिक पेन हो जाता है, इसकी वजह से बच्चे बहुत इरिटेट होते हैं। मम्मीज़ रीज़न समझ नहीं पाती कि बच्चा क्यों रो रहा है, बच्चा क्यों इरिटेड है, उसे बहुत ज़्यादा कंप्लेन रहती है। तो बहुत सी कॉमन कंप्लेंस होती है जिसकी वजह से कोलिक पेन होता है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ बताने वाली हूँ जो आप ज़रूर ट्राई कीजिए अपने बेबी के लिए, ताकि उसके कोलिक पेन ना हो। और अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, और आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो भी आप जल्द से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फर्स्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रॉपर पोजीशन व्हेन फीडिंग, जब भी आप बेबी को फीड करवाते हो तो प्रॉपर पोजीशन लीजिए। इफ़ यू आर अ ब्रेस्ट फीडिंग, कीप द बेबी हेड एंड नेक हायर देन स्टमक, स्टमक से ज़्यादा हायर बेबी का हेड एंड नेक रखना चाहिए, ताकि जो बच्चा दूध लेता है वो उसके स्टमक में जाए और उसे जो गैस फॉर्म होती है वो बिल्कुल ना हो। इसी के साथ अगर बॉटल फीड अगर बेबी को करवाते हो तो बराबर से बॉटल को उठा के उसके मुंह में निप्पल डाल के ऐसे बेबी को फीड करवाइए कि बिल्कुल भी बाहर की एयर बेबी के माउथ में ना जाए, जिसकी वजह से बेबी को गैस फॉर्म बिल्कुल ना हो और गैसेस की वजह से बच्चे को कोई इरीटेशन ना हो। ये दो चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें बेबी को फिट करवाते। सेकेंड, सूटेबल बेबी के लिए बॉटल लीजिए जो बेबी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो। थर्ड, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप अपने बेबी को फीड करवा लेते हो तो बराबर से उसका बर्प लीजिए। बर्प फीडिंग के बाद में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपरली बेबी का बर्प नहीं लेते हो तो उसकी वजह से बेबी के स्टमक में बहुत सारी गैसेस फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से उसे कोलिक पेन भी होता है, इरिटेशन भी होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। इसलिए आप बेबी बर्प आफ्टर फीडिंग बराबर लीजिए। बर्प की कुछ पोजिशन है, कुछ आप बेबी को सीधा अपने कंधे पर लेके भी बर्प ले सकते हो, बिठा के भी ले सकते हो, लिटा के भी ले सकते हो। सो मैंने मेरे वीडियो में बताया है तो आप उसको देख के भी फॉलो कर सकते हो बर्प के लिए। अब हम फोर्थ बताएंगे, फोर्थ टमी टाइम। टमी टाइम बेबीज़ को हमेशा देना चाहिए। जब भी आप बेबी को खाना फिट करवाते हो, मदर फिट करवाते हो, बॉटल फिट करवाते हो, जैसे बेबी का फीड हो जाए तो आप उसे टमी टाइम ज़रूर दें। टमी टाइम की वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, उसी के साथ में उन्हें जो गैसेस की प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल नहीं होती है, और उनका एब्डोमेन प्रेस होता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आप बेबी को टमी टाइम ज़रूर 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 दें। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसी के साथ फीव है, गिव टमी मसाज। अपने बेबी को आप टमी मसाज दे सकते हो, जिसकी वजह से उसको जो गैसेस की प्रॉब्लम है, जो इरिटेशन है, जो इरिटेबिलिटी है एब्डोमिन के अंदर, जो उसे चुभने जैसे फीलिंग होती है, वो भी बहुत रिलैक्स लगेगा उसको। आप उसके टमी पे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से मसाज कर सकते हो, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। तो आप टमी मसाज भी ज़रूर ट्राई करिए गैसेस के इसमें। अब हम आगे बढ़ेंगे, डू सम बाईसाइक्लिंग मूवमेंट। अगर बच्चों को कोलिक पेन रहता है, गैसेस हो जाती है, तो आप अगर बाईसाइक्लिक मूवमेंट बेबी के साथ करते हो, उनके लेग्स के साथ, तो बेबी को बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है, खासतौर पे गैसेस पे। सो आप ये भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेवेंथ है ग्रीप वाटर। ग्रीप वाटर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल होती है, खासतौर पे बच्चों के होने वाले कोलिक पेन, गैसेस, इरिटेशन, चुभन के लिए। ये बिल्कुल नेचुरल होती है, आप कोई भी एज ग्रुप के, यानी 3 और 4 मंथ के बाद कभी भी इसे स्टार्ट कर सकते हो। आप 1 और 1.5 और 2 ईयर के तक भी इसे दे सकते हो, और ये बच्चों के गैसेस के साथ में बच्चों के जो टीथिंग फेस होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सो आप बच्चों को ग्रीप वाटर ज़रूर दें। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट की, पेडेट्रिक प्रोबायोटिक। ये कुछ ही वीक्स पहले ये रिसर्च में आया है कि मे ऑल्सो हेल्प टू एस बेबी गैस पेन, सजेस्टेड बाय अ न्यू रिसर्चर। इफ़ योर बेबी हैज़ स्टार्टेड ईटिंग सॉलिड फूड, ट्राइंग गिविंग हिम अ लिटिल योगर्ट, दिस विल हेल्प हिज गट्स टू गेट यूज टू डिफरेंट स्ट्रेंथ्स ऑफ इंसेस्टाइन बैक्टीरियल एंड क्रिएट्स इज माइक्रोबियल इकोलॉजी। सो आप इसे भी ज़रूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट है सेमेथिकॉन। सेमेथिकॉन इज़ अ ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर पेन और अदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इशूज़ ऑफ बेबीज़, जैसे कॉलिक पेन होता है, गैसेज होती है, इरिटेशन होता है, कुछ चुभक होती है बच्चों के पेट में, तो डॉक्टर्स बच्चों को सजेस्ट करते हैं या प्रिस्क्राइब करते हैं सेमेथिकॉन। लेकिन अगर आपके बेबी को डॉक्टर जब सजेस्ट करे तभी आप ये मेडिसिन दीजिए, विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन और सजेशन के मेडिसिन ना दीजिए। और न्यू बॉर्न और इन्फेंट बेबी के लिए ये बिल्कुल ना यूज़ कीजिए जब तक आपके डॉक्टर ना कहे। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और अब तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, और दुआओं में याद रखिए।